दोस्तों आप सबका दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस चैनल के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको BS6 CNG गाड़ी की टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मैंने नोट किया कि मेरे बहुत सारे टेक्नीशियन दोस्त, वर्कशॉप के दोस्त, वो BS टेक्नोलॉजी से काफ़ी घबराते हैं और गाड़ी के अंदर हाथ डालने से हिचकते हैं। BS6 ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एमिशन नॉर्म्स को, जो गाड़ी में से धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करने का, जहरीला धुआं को, गंदी गैसों को कंट्रोल करने का एक टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेंसर एक्चुएटर दिए गए। अभी मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये पियाजो की BS6 गाड़ी है। पियाजो की इटालियन कंपनी है जो कि 3-व्हीलर 2-व्हीलर 4-व्हीलर और रोबोट्स और इसके अलावा हवाई जहाज़ भी बनाती है। आप इंटरनेट पर चेक करेंगे तो पियाजो इतनी बड़ी कंपनी है। अभी ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है BS6 CNG गाड़ी है, इसकी पहचान कैसे होगी, ये देखिए यहाँ पे एक गैस का सिलेंडर है। इस गैस के सिलेंडर के साथ ये एक लो प्रेशर रेगुलेटर है, ये इधर ऑन कंडीशन में, ये इधर ऑफ कंडीशन में। अभी गैस बंद हो गई और अभी गैस चालू हो गई। ये इसका सेफ्टी स्विच है। ये सेफ्टी स्विच यहाँ से देखिए, देखेंगे ये इसके, ये सेफ्टी पिन है और इसके अंदर एक स्विच लगा हुआ है छोटा सा, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्विच है। अब ये स्विच को जैसे पिन ऊपर से आएगी तो ये स्विच ऑन होएगा। ये देखिए, ये दब जाएगा ऐसे, ये ऐसे दबेगा। ये देखिए ये स्विच ऑन हो गया। ये सेफ्टी स्विच जब तक ऑन नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी, तो ये आपको इस बात ध्यान रखना। दूसरा, ये गैस की लाइन गई, ये आ गई और ये बॉडी के अंदर से होती हुई ये पीछे ही आ गई है। अब ये गैस की लाइन पीछे जा रही है पूरी और गैस की लाइन जाके यहाँ पर, ये लो प्रेशर रेगुलेटर है। ये लो प्रेशर रेगुलेटर गैस के सिलेंडर से निकलने वाले प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसके बाद सीधा गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर भेजता है। यहाँ से ये गैस का पाइप अंदर से आ रहा है और ये पाइप यहाँ पे निकला इस फिल्टर के थ्रू होता हुआ, ये निकला। ये प्राइमरी फिल्टर है CNG का और ये होता हुआ सीधा यहाँ पर आ गया। ये गाड़ी दो चीज़ों पर चलती है, एक चलती है पेट्रोल पर, एक चलती है CNG पर। पेट्रोल एमरजेंसी के लिए है, ये पेट्रोल का टैंक है। इस पेट्रोल टैंक के अंदर जो पेट्रोल है, इस मोटर के थ्रू, फ्यूल सप्लाई मॉडल के थ्रू सीधा इंजेक्टर में जाता है। ये इसकी लाइन आप देख रहे होंगे, ये जा रही है और ये लाइन सीधा ये यहाँ से होती हुई और ये देखिए हिल रही है तार पूरी और ये यहाँ पर आ रही है। ये पेट्रोल का इंजेक्टर है, ये पेट्रोल का इंजेक्टर, ये देखिए ये पेट्रोल का इंजेक्टर है। अब इस गाड़ी के अंदर कुछ नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सिर्फ ब्लॉक पिस्टन के अलावा छोटा सा एक सिस्टम है नॉन, देखिए ये इस गाड़ी के अंदर एक सिस्टम दिया गया है। ये आपका जो एक्सेलेटर है उसके लिए दिया गया है, ये पहला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पहला हिस्सा जो एक्सेलेटर की तार है उससे चलता है। ये बटरफ्लाई इसकी यहाँ पे, देखिए इससे चलता है। दूसरा हिस्सा ये वाला है यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है इसका फ्यूल रेल जिसके अंदर गैस इंजेक्टर है। देखो हर इसकी वायरिंग हारनेस पे लिखा भी है गैस इंजेक्टर और ये इसके सेंसर, ये इसका दूसरा सेंसर। तो आपने इसमें पहला हिस्सा एक्सेलेटर का, दूसरा हिस्सा गैस का, तीसरा भी ये आया पेट्रोल का। और इस गाड़ी में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो गाड़ी का RNR यूनिट है। ये गाड़ी की 5 पिन रिले और ये गाड़ी की 4 ST रिले आप देख पा रहे हो। बहुत सिंपल आसान टेक्नोलॉजी है। इसके साथ इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर रेडिएटर फैन भी दिया है जो कि कूलेंट के सर्कुलेशन को, जब कूलेंट सर्कुलेशन उसको ठंडा करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। पहला हिस्सा एक्सेलेटर का, दूसरा हिस्सा गैस का यहाँ तक और तीसरा हिस्सा पेट्रोल इंजेक्टर का। बाकी कुछ भी इस गाड़ी में मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर यदि आप इसकी फ्यूल की सप्लाई के सिस्टम को समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप इजीली काम कर पाएंगे उनके अंदर। जैसे ये सामने आपके, ये गैस का फिल्टर है जो कि पीछे LPR में से आ रहा है, आपको दिखाई देगा बॉडी के नीचे जहाँ पर ये LPR फिट है, ये देखिए पीछे ये दिख रहा है, ऑन है, सिंपल है। कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी की बैटरी पूरी चार्ज हो, फुल चार्ज होनी चाहिए। गाड़ी के अंदर CNG होना चाहिए और पेट्रोल होना चाहिए। यदि पेट्रोल मोड पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, CNG पे नहीं हो रही है, इसका मतलब CNG की सिस्टम में कोई दिक्कत है। और यदि गाड़ी CNG पे स्टार्ट हो रही है और पेट्रोल पे स्टार्ट नहीं हो, पेट्रोल सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है।
दोस्तों मुझे लगता है बताऊँ आपको जानकारी पसंद आएगी। और इसके अलावा मैं आपको और भी इसके अगले लेवल की नेक्स्ट लेवल की मैं जानकारी समय पे देता रहूँगा, ताकि आप लोगों के मन में ये डाउट्स आपकी जो शंकाएँ हैं वो दूर हो सकें। धन्यवाद।